नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप, हिमाचल में कांग्रेस के सामने हिमालय जितना बड़ा संकट अब खड़ा हो गया है। मात्र 14 महीने पहले उत्तर भारत में कांग्रेस को जश्न मनाने की वजह देने वाली हिमाचल की सुक्खू सरकार के अस्तित्व पर अब संकट मंडरा रहा है। बीजेपी के एक दाव ने सीएम सुक्खू का सुख चैन छीन लिया है और राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। वहीं 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी को वोट दे दिया है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को बराबर बराबर यानी कि 34-34 वोट मिले और ये पहली बार है जब राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों में बराबर बराबर वोट मिलने की वजह से पर्ची से हार जीत का फैसला तय किया गया। हालांकि इस पर्ची के फैसले में भी कांग्रेस को किस्मत का साथ नहीं मिला और इसमें बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी सुक्खू सरकार की अल्पमत में होने का दावा कर रही है और सीएम सुक्खू से इस्तीफे की मांग कर रही है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से वोटिंग डिवीजन की मांग की है और इस बीच इस्तीफे की मांग को लेकर आज बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा में जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान अध्यक्ष ने बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। सुक्खू ने दावा किया कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हुआ उसकी कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी। 40 विधायकों वाली सत्ताधारी दल कांग्रेस महज 25 सीट वाली बीजेपी से हार गई। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को मात दे दी। चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। वहीं 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी को वोट दे दिया। चुनाव नतीजे के वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने पिता और उन्हें अपमानित किया, उसके बाद उनके पास क्या विकल्प था। उन्होंने जो भी किया नैतिकता के आधार पर ही किया। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूँ जो मैंने निर्णय लिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में असंतोष का ये बुलबुला यूं ही नहीं फूटा। इस असंतोष की नींव तो तभी पड़ गई थी जब चुनाव नतीजे के बाद राज्य में सरकार बनाने की बारी आई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आई तो ये मौका पार्टी के लिए कई परेशानियां लेकर आया। सीएम पद की दावेदारी के लिए कई नाम सामने आए। एक दावेदार तो स्वयं वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह थी, वो रेस में सबसे आगे चल रही थी। प्रतिभा सिंह जिस शिमला जिले से ताल्लुक रखती है वहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और 8 में से 7 सीटें जीती थी, इसीलिए प्रतिभा सिंह की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा था। लेकिन प्रतिभा सिंह सीएम नहीं बन सकी और 2013 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 59 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू बाजी मार ले गए और सीएम बन गए। लेकिन इस घटनाक्रम से वीरभद्र फैमिली की आला कमान से इस तरह की खटास पैदा हो गई कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का परिवार सीएम पद का जाना सहन नहीं कर सका और तब से लगातार आला कमान के प्रति बगावती मुद्रा में रहा। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहे। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान उन्होंने खुलेआम पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने तब खुलेआम कहा था कि वे कट्टर हिंदू हैं और देव समाज में आस्था रखने वाले एक हिंदू के रूप में ये अपनी जिम्मेदारी है कि वे इस अवसर पर उपस्थित रहें और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बने। विक्रमादित्य सिंह ने ये बयान तब दिया था जब कांग्रेस ने कहा था कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी।
सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आला कमान को ये जताने से परहेज नहीं किया कि उनके परिवार को सरकार में वाजिब सम्मान नहीं मिला है। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में सरकार चलाते रहे, लेकिन 68 सदस्यों वाली विधानसभा में 40 सीटें लाकर सरकार बनाने वाले सुक्खू अपने विधायकों से संवाद और तालमेल बिठा नहीं रख सके। इसी बीच राज्यसभा चुनाव का समय आ गया। इस दौरान दो घटनाक्रम और हुए। इस राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पर्याप्त संख्या बल न रहने के बावजूद हर्ष महाजन को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस से बीजेपी में आए हर्ष महाजन को कांग्रेस के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का रणनीतिकार कहा जाता है। उधर राज्यसभा चुनाव की रेस में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अभिषेक मनु सिंघवी को उतार दिया। पार्टी सिंघवी की जीत को लेकर बेफिक्र थी। सामान्य परिस्थितियों में 40 विधायकों के साथ सिंघवी की जीत को लेकर कोई दुविधा भी नहीं थी, लेकिन यहां अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। माना जा रहा है कि सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा भी राज्यसभा जाना चाहते थे। आनंद शर्मा शिमला से आते हैं, लिहाजा हिमाचल से बतौर राज्यसभा उम्मीदवार उनकी दावेदारी को नैतिक समर्थन भी हिमाचल कांग्रेस में मिल रहा था। गौरतलब है कि आनंद शर्मा कभी कांग्रेस के असंतुष्टों के साथ उस G23 ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात उठाई थी और अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग की थी। लिहाजा आला कमान ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को तवज्जो नहीं दी और आनंद शर्मा खुन्नस में ही रह गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश की कुछ शक्तियों ने उन्हें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कैंप का माना जाता है। यही नहीं, सीएम सुक्खू उन 3 निर्दलीय विधायकों को भी भरोसे में नहीं ले सके जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। ये उम्मीदवार शारीरिक रूप से कांग्रेस के कैंप में दिख जरूर रहे थे, लेकिन वोट डालने के लिए इनकी वफादारी बीजेपी के हर्ष महाजन के साथ थी। इसी का नतीजा ये रहा कि आज हिमाचल में कांग्रेस की नैया मझधार में अटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 14 महीने पहले बनी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अस्थिर सी नजर आ रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार के अस्तित्व पर अब संकट मंडराता नजर आ रहा है। एक दाव बीजेपी की तरफ से चला गया और सीएम सुक्खू का सुख चैन सब कुछ फिलहाल छिना हुआ सा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता, सरकार कैसे बचाई जाए, सरकार को कैसे स्थिर रखा जाए, इस दाव पेच पे फिलहाल लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गोपाल कृष्ण जी आपका कार्यक्रम में। विवेक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है विवेक जी। और अशोक रैना वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गोपाल कृष्ण जी आप ही के साथ करते हैं। 14 महीने की सरकार और ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस बिखरने के लिए इतनी बेकरार बैठी है कि अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी ही कहीं ना कहीं वजह बन गई। सर ये सब तो मीडिया एक खिचड़ी पका रहा है, जैसे जैसे मोदी जी की फौज जो है ना ईडी और सीबीआई हेमंत सोरेन को डराने गई थी, सरकार गिराने गई थी, नहीं गिरा पाए। कमलनाथ जी को डराने गई थी, नहीं डरा पाए। तो ये सब यहाँ ट्राई करके देख रहे हैं, एक आध दो चार घंटे में ठंडा हो जाएंगे और क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको तो बीजेपी और खासकर मुझे ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री को बेइज्जती सहने की आदत हो गई है। कृष्ण गोपाल जी, जिस तरह का हिमाचल में फिलहाल कांग्रेस के लिए संकट दिखाई पड़ रहा है, इस संकट से कैसे उभरेंगे सर? किया था ना इसी तरह का कमलनाथ जी के लिए भी आप लोगों ने किया था ना हल्ला, कि आ गए 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, रास्ते में है। क्या तमाशा है ये मीडिया का। मैं तो इस बात को सहमत नहीं करता हूँ। आपके मतलब आपके हिसाब से ये कहना है गोपाल कृष्ण जी कि हिमाचल प्रदेश में किसी तरह की अस्थिरता की आपके अस्तित्व पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, सब कुछ बेहतर चल रहा है? कहीं से कोई संकट नहीं। राज्यसभा के लिए आपने जो कुछ लोगों को डरा धमका के वोट ले लिया, वो सब एक टेम्पोरी जीत है। जिस तरह से आपको झारखंड में मुंह की खानी पड़ी प्रधानमंत्री को, कमलनाथ जी को परेशान करने के मुंह की खानी पड़ी। वीरभद्र सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य जी का इस्तीफा क्या कहता है, क्या संदेश दे रहा है ये? हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, हमारा पार्टी का इंटरनल है, कुछ फेरबदल होगा, कुछ मनमुटाव हो सकता है, वो रखा जाएगा। लेकिन दूसरी पार्टी को जिस तरह से तोड़ने का
दबाव बनाया जा रहा है और असफल हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी को कौन दबाव बना रहा है सर, कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी को, कौन दबाव बना रहा है सर, खुलकर बताइए ना। और यही प्रधानमंत्री जी बनवा रहे हैं ईडी और सीबीआई के थ्रू, और कौन बना रहा है? झारखंड में कौन बना रहा था? झारखंड में कौन बना रहा था? कमलनाथ जी पर कौन बना रहा था? वही लोग है, ये गैंग है जो एक अनपढ़ और जाहिलों की गुजराती गैंग है जो लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी को कोई सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़े ना है, उनको दे दीजिए। विवेक जी कोई कुछ बोल दे। विवेक जी, क्या ये 400 पार का जो नारा दिया गया है इसे सिद्ध करने के लिए इसका प्रभाव बना रहे, इसलिए इस तरह की तोड़ मरोड़ की जा रही है? हिमाचल प्रदेश हो चाहे बाकी के राज्यों की बात की जाए, तमाम तरीके के ऐसे केसेस देखने को मिल गए जहां पर लगातार विधायक बागी रुख अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और आरोप सिर्फ एक ही कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति जानती है। ऐसा है कि कांग्रेस अपने मनोवैज्ञानिक दबाव में इतनी ज्यादा जा चुकी है कि वो अनाप शनाप बोलने पर आ गए हैं। ये अभी हमारे जो कांग्रेस के मित्र जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो इस बात को प्रमाणित करता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हाँ। और यही पिक्चर लगभग हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। विवेक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अशोक रैना जी, इस पूरे मामले को देखते हुए ये जो पूरा घटनाक्रम है हमारे सामने आया है हिमाचल का, जिस तरह की कवायद लगातार अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है सर, कांग्रेस को जितना बड़ा झटका लगा है हिमाचल प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले, ये किस तरह से सबक बन सकता है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए, और आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस को किन चीजों को, किन खामियों को दूर करने की जरूरत है सर? वक्ता जी, ऐसा है कि गलती अपनी है। अगर कांग्रेस की अपनी रैंक एंड फाइल कंसोलिडेटेड होती परहैप्स भारतीय जनता पार्टी भी वो कुछ नहीं कर पाती जो उन्होंने आज किया हुआ है। सबकी महत्वाकांक्षा होती है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और डिसेंशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि बीजेपी में सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस स्थान पे आने के बाद कुछ और उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन इस चीज को एसेस नहीं कर पाए जो कांग्रेस हाईकमान थी राइट परस्पेक्टिव, बावजूद इसके कि जो छह लोग चले गए वो लोग भी बता रहे हैं। इसमें विक्रमादित्य ने आज बताया कि हमने बहुत बार हाईकमान से बात करी लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए चिनाच वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनली कमजोर, जो ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वही सत्य है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ उनकी उस पर नजर बीजेपी की थी और उन्होंने कर दिया, क्योंकि आजकल की जो सरकार जो पॉलिटिक्स थी इट्स नॉट इथिकल पॉलिटिक्स, अब इसमें जहां जिसको रास्ता मिलता है वो गुंत घुस जाता है, तो उसके कारण ये सारा कुछ इशू खड़ा हो गया है। और जो छह लोग हैं वो वीरभद्र ग्रुप के हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है, और विक्रमादित्य आज खुल के सामने आ गए इस इशू पे बात करें, ही वॉज इमोशनल ऑल्सो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि जो हमारे फादर की जिन्होंने इतने से छह बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके नाम से भी जीता इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए दो गज जमीन एक स्टैचू बनाने के लिए रिश्ते नहीं मिल पाया, तो इससे इमोशनली वो डिस्टर्ब हो गए थे और उनको वो कह रहे थे कि एज ए मिनिस्टर ऑल्सो कि मुझे तकलीफें और इंटरवेंशन बहुत हुआ, तो ये विदन जुटा नहीं सकते कि अंदर गड़बड़ नहीं था और उसी गड़बड़ को एनकैश किया बीजेपी ने, क्योंकि उसे नजर रखते हैं और उन्हें नजर रखे, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है हो सकता है कि ये अभी ठीक हो, क्योंकि उन छह में से एक राजेंद्र राणा ने बात हाईकमान से भी करी थी कि हम कांग्रेस से हमारी कोई दुविधा नहीं है, हमें दुविधा चीफ मिनिस्टर से है, तो अब जो हमारे जो ऑब्जर्वर बीजेपी कांग्रेस के आए हुए हैं तीनों लोग भी हुडा भी हुए हैं, रेड्डी जी भी है और शुक्ला जी है, तीनों इस बात को एसेस कर रहे हैं इन कनेक्शन विद अपनी प्रियंका गांधी, इनके साथ ये कोऑर्डिनेट करके ये चाह रहे हैं कि अगर हमें चीफ मिनिस्टर बदलने से सिचुएशन बनती है, लेकिन अभी ये सारा तेलमेल में है तो शाम तक बहुत सी चीजें सामने आ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं घर सजाने का तस्वीर तो बहुत भाग का है, पहले देखो इस घर को बचाएं कैसे, तो इस वक्त कांग्रेस को भी उसी नीति को लगाना देखना पड़ेगा कि हम घर को बचाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, ये आज की परिस्थिति है अभी। ठीक है कृष्ण गोपाल जी,
देखिए असंतोष कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए वजह बन रहा है, असंतोष की वजह से बगावत लगातार हो रही है। आपके इतने बड़े बड़े नेता जो आपके साथ थे, बात अगर वीरभद्र फैमिली की करें, विक्रमादित्य जी की करें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आनंद शर्मा भी आपसे नाराज बैठे हैं, कई विधायक अभी भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। नहीं लगता आपको कि इस तरह के जब आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, सामने से लोग इतनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह का सम्मान मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, क्या भारत कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि उन्हें साधने के लिए उनकी बात को सुनना जरूरी है, इस असंतोष को दूर करना जरूरी है? देखिए मैडम, लालच की कोई सीमा नहीं होती है। हाँ, इंसान किसी भी पार्टी में जाने से पहले एक इंसान होता है। आज की तारीख में मोरल पॉलिटिक्स तो रह नहीं गया है, ये तो पक्की बात है। लेकिन जहां तक कहेंगे कि हमारे विधायक असंतुष्ट हो गए हैं, तो ये तो एक घटना है जो सभी जगह लगा हुआ है। क्या बीजेपी से अछूता है क्या? भले मीडिया नहीं दिखाए, लेकिन मैं प्रवक्ता होने के नाते जानता हूँ। जैसे कि आपसे चंद्रबाबू नायडू ने आपसे संबंध तोड़ लिया, अन्ना द्रविड एमके चेन्नई में आपसे संबंध तोड़ लिया, और उन्होंने पटाखा छोड़ा कि आज बीजेपी से मेरा संबंध टूट गया, इसकी खुशी मनाई गई पटाखा छोड़कर। केरल में आपके पास कुछ नहीं है, एक दो हीरोइनों को छोड़कर। तो इस तरह से आप बताइए, तेलंगाना में नाम लेवा नहीं है, पंजाब में सारे किसान खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, सर सुनिए ना सर, तेलंगाना पंजाब बाद में बात करेंगे, हिमाचल की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अल्पमत में है आपकी सरकार, और इसी वजह से स्पीकर ने 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया। ये आपका जो विरोधाभास है, ये आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर निकाल रहे हैं, इस तरह का इल्जाम है आपका? जी बिल्कुल सही इल्जाम है। 140 सांसद को कौन निकाला था? कौन करता है ये? बदले बदला लिया जा रहा है सर, वहाँ की भड़ास यहाँ निकाली जा रही है, ऐसा भड़ास नहीं निकाली जा रही है, कुछ किए होंगे वो जबरदस्ती। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप गवर्नर से परमिशन लेकर आइए और प्रोटेस्ट करके देख ले। वो ये हेमंत सरकार से भी सीख नहीं लिए कि कितना नैरेटिव डाउन है प्राइम मिनिस्टर का, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का। ये हेमंत सरकार को समझे कि डरा लेंगे हम, जेल भेज के डर गए क्या वो? विवेक जी, कमलनाथ जी को डरा लेंगे? ऐसा है, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दूं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, और 3 यहाँ पर इंडिपेंडेंट विधायक हैं। जिस व्यक्ति को ये लेकर आए मनु सिंघवी जी को अपना प्रत्याशी बना करके, वो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उन्होंने वाटर एसेस लगाया, वाटर एसेस के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। अरे जो व्यक्ति अपनी ही सरकार, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो, उसको कैसे कांग्रेस के विधायक वोट दे सकते थे? इस विषय को लेकर के जब समाज में ये मामला गया, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये मामला गया, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में मामला गया, कांग्रेस में एक अंतर्कलह उत्पन्न हो गई, और उस अंतर्कलह का परिणाम ये निकला कि हमें वहां पर 9 वोटें पड़ गई। नहीं, और सर, ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। अभी गोपाल कृष्ण जी ने साफ तौर पर कहा कि सुक्खू जी की तरफ से किसी भी तरह के इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई है, लेकिन जयराम ठाकुर अंदर कह रहे हैं सदन के कि इस्तीफा हो चुका है, सुक्खू जी का इस्तीफा हो चुका है। जो है इस्तीफे का जो प्रश्न उठता है वो कांग्रेस के भीतर का मामला है। हाँ। अगर होगा तो शाम तक वो सार्वजनिक हो जाएगा, नहीं होगा तो पता लग जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस अंतर्कलह से इतनी बुरी तरह से पीड़ित है इस समय कि इन्हें ये नहीं मालूम करना क्या है। कल जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गए, तो मार्शल्स के माध्यम से उनके साथ वहां मारपीट की गई। ये इनका मनोवैज्ञानिक दबाव है। आज 15 लोगों को निष्कासित कर दिया गया, जिसमें हमारे नेता विपक्ष भी उसमें है, और वो बिना कारणों का किया गया, क्योंकि बजट का समय है, बजट में सेशन में जाना है, आप करेंगे तो हम कहां पीछे रह जाएंगे, आप करेंगे तो हम कहां पीछे रह जाएंगे, आप भी तो निष्कासित करते हैं, तो ये बदले की भावना है साफ तौर पर। ठीक है, आप विधानसभा अध्यक्ष के मिलने जाएं और अध्यक्ष के कमरे के बाहर की बात हो जाए। अशोक रैना जी, सर क्या लगता है आपको, जिस तरह के हालात फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, कांग्रेस के पास इसे बचाने का, इसे स्तर करने का
सारी चीजों को अपने हिसाब से करने का कोई हल नजर आ रहा है? कोई कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको लेकर उठाया जा सकता है जिस वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार बच पाए? एक अनाड़ी कार्यकर्ताओं का दल के रूप में हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रही है। अशोक जी से है मेरा ये सवाल, अशोक जी से है, माफ कीजिएगा विवेक जी, अशोक जी से ये सवाल मेरा। बेसिकली जो इस वक्त की परिस्थितियां हिमाचल में हुई है, हिमाचल ऐसा स्टेट नहीं है जहां ऐसा हुआ करता था। अब हुआ है, ये पहली बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है कि छह लोग निकल के दूसरे उसमें चले गए और तीन लोग उनके साथ आ गए। लेकिन अभी भी दोनों को ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध से धुली हुई है। अब बीजेपी ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और वो ये सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है, जो मेरी एक्सपीरियंस कह रही है इतने सालों के बाद, तो जो सेंटर लीडरशिप है वो एसेस कर रही है अभी कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। हाँ। अगर ये चीफ मिनिस्टर के बदलने से इनको सॉर्ट होता तो नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा, अगर वीरभद्र ग्रुप का कोई ऐसा और एक्सेप्टेबल टू दिस सेक्शन होगा तो ऐसा करने का वो प्रयास करेंगे। क्योंकि सभी लोगों का सरकार को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो छह लोग वापस आ जाए। वो बेस्ट ऑप्शन होगा और बेस्ट ऑप्शन के लिए उन्होंने ऑफर किया है कि हमें कांग्रेस से कोई रिग्रेट नहीं है, इसलिए वो एक स्टेप आगे आ चुके हैं। अगर ये बात हो जाती है उनके साथ में और चेंज अब गार्ड हो सकता है स्टेट में, तो एक ही ऑप्शन है तो जो जिससे ये सरकार बच सकती है। और अगर ये ऑप्शन नहीं करता, अगर सेंटर ऑफ कमांड इस वक्त भी फेल हो गई इन सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अगर वो बीजेपी भी तैयार है उसके लिए, लेकिन कांग्रेस भी तैयार है आप इसको सॉर्ट आउट करने में, थिंग्स आर टेकिंग इट्स ओन डायरेक्शन नाउ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर अब ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुक्खू के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या सुक्खू का इस्तीफा होगा या फिर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को हल करने की जिस तरह से कोशिश कर रही है, क्या सीएम सुक्खू को पद से हटाए जाने के बाद इस पूरे मामले का सोल्यूशन निकल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।